आई होप कि आप मेरी वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कॉमेंट भी कर रहे हैं, विच आई एम रियली एंजॉइंग. सो प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कॉमेंट. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ स्ट्रक्चर में जो है गुलबर्ग में एक बहुत ही अमेजिंग फिटनेस सेंटर जिम, और मेरे साथ इनके इंटरनेशनल ट्रेनर हैं जो इंग्लैंड से आए हैं, बिली. अस्सलाम वालेकुम. हेलो बिली. हाउ आर यू? आई एम गुड. बिली के साथ आज हम सीखेंगे अपने कोर को स्ट्रांग करना, यानी कि अपने एब्स कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, अपने पेट को कैसे फ्लैट किया जा सकता है. खवातीन और मर्द दोनों हर वक्त ये सवाल करते हैं कि पेट कैसे अंदर करें, पेट बाहर निकल आया है. मैं कभी कभी पार्लर जाती हूँ तो सैलॉन में भी मुझसे ये सवाल किया जाता है कि पेट को कैसे अंदर करें. मिली, एवरीवन इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट देयर स्टमक, माय स्टमक इज हैंगिंग, एंड इन पाकिस्तान प्रेडोमिनेंटली पीपल हैव एन इश्यू विद देयर कोर. द मेन हैव टमीज हैंगिंग आउट, द वुमेन आल्सो, स्पेशली आफ्टर दे हैव चिल्ड्रन टेंड टू डेवलप अ पॉट. So is this a common problem in the whole world? Yeah, it's not just Pakistan, it's the whole world over. And people think that having a strong core is just having a six pack, and that's not the case. You know, having a strong core also protects you from lower back pain. It also helps you keep good posture, which then keeps your hips healthy, your knees healthy, your ankles healthy. So it's really, really important to have a strong core. वो ये कह रहे हैं कि ये पेट का मसला, पेट बाहर निकलने का या मोटे पेट का मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में सबको होता है. और पेट फ्लैट करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने अपने एब्स को डेवलप करना है या आपका सिक्स पैक हो जाए. पेट फ्लैट करने का सबसे बड़ा की वजह ये है कि आप अपनी कमर को स्ट्रांग कर लेते हैं, आपकी टांगे स्ट्रांग हो जाती हैं, आपके स्ट्रांग कोर की वजह से आपकी पूरी बॉडी जो है एक तो शेप में भी आ जाती है और आप बहुत से मसाइल से बच जाते हैं. आपकी नेक में प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपका कोर स्ट्रांग है. सो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रांग कोर की वजह से प्रोटेक्टेड रहती है. ओके, सो हम व्हाट आर वी गोना लर्न टुडे, ये हमें क्या सिखाएंगे, व्हाट आर यू गोना टीच अस? सो आई एम गोना शो यू गाइस फोर एक्सरसाइजेस प्राइमरीली फॉर योर कोर. Keep it strong, build it up, make it stronger. वो कह रहे हैं कि वो आपको चार एक्सरसाइजेस बताएंगे और वो चार एक्सरसाइजेस आपने ट्राई करनी है जिससे आपका कोर जो है, यानी कि ये जो एब्डोमिनल एरिया है, पेट का एरिया, ये स्ट्रांग हो जाएगा. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस गोइंग टू बी? वी आर गोना सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ प्लैंक एक्सरसाइज, देन मूव ऑन टू अ क्रंच. Plank crunch, a reverse crunch, reverse crunch, and then mountain climbers, but instead of going really fast, we're going to go really slow. ओके, और माउंटेन क्लाइंबर्स. तो ये चार हम एक्सरसाइजेस आपको आज सिखाएंगे. वो सिखाएंगे, मैं तो जानती ही हूँ और करती ही रहती हूँ. आप लोग अक्सर बात करते हैं कि दो बच्चों के बाद भी, दो सिजेरियंस के बाद पेट कैसे फ्लैट है. तो पेट फ्लैट होने का रीज़न एक ही है और वो ये है कि मैं रेगुलरली जो ये सर्किट बता रहे हैं, मैं भी इसको करती हूँ. बट आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी सेकेंड्स? You want to try and hold a plank for a minute if possible, and then as long as you can after that. But okay. A minute should be the initial aim, to hold it for a minute. ठीक है. Crunches we will do for 60 seconds, or you will do for 60 seconds. Same with reverse crunches and mountain climbers, the same. तो यानी कि एक एक मिनट आपने ये हर एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है. प्लैंक स्पेशली जो हम पहले आपको सिखा रहे हैं, अब हम वन बाय वन आपको ये एक्सरसाइजेस सिखाएंगे और इसके बाद एक रिकैप भी करेंगे ताकि आप हमारे साथ करें. और मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि ये करके आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा. एंड हाउ मेनी टाइम्स शुड वी डू इट, हाउ मेनी सेट्स? सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट टू व्हाट आई हैव शोन यू प्रीवियसली. दिस वोंट बी एज अ सर्किट, दिस विल बी इज इन सेट्स ऑफ ईच एक्सरसाइज एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो बिगिनर्स वुड स्टार्ट विद 3 सेट्स, एडवांस्ड ट्रेनर्स वुड स्टार्ट विद वुड फिनिश विद 5 सेट्स. सो यू डू 5 सेट्स ऑफ प्लैंक्स फॉर इंस्टेंस, देन यू मूव ऑन एंड डू 5 सेट्स ऑफ क्रंचेस, 5 सेट्स ऑफ reverse crunches, 5 sets of slow mountain climbers. Okay, so basically ये जरा different है usually जो बिली सिखाते हैं उससे. इस बार आप 5 sets करेंगे, 3 से 5 set करेंगे हर exercise का. जैसे कि अगर आपने plank करना है तो आप plank करेंगे 3 दफा एक एक मिनट का. break, how long is the break in the middle? Just 1 minute. अच्छा, तो एक मिनट का किया, एक मिनट की ब्रेक ली, एक मिनट की किया, एक मिनट की ब्रेक ली. उसके बाद आप मूव ऑन कर जाएंगे क्रंच पे. क्रंच फिर आप करेंगे एक मिनट के लिए, फिर ब्रेक, देन एक मिनट के लिए, फिर ब्रेक, फिर एक मिनट के लिए ब्रेक. फिर आप अपने रिवर्स क्रंचेस करेंगे. रिवर्स क्रंचेस भी आप एक मिनट किया, एक मिनट स्टॉप, एक मिनट किया, एक मिनट स्टॉप. और उसके बाद एंड में आप करेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स बहुत स्लोली एक मिनट के लिए, फिर आप ब्रेक लेंगे, फिर एक मिनट के लिए. सो ये आप इंडिपेंडेंट सेट्स करेंगे अपनी हर एक्सरसाइज के. इट वुड टेक लॉन्गर देन अ सर्किट. ये सर्किट से ज्यादा लंबा होगा, जो मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया सर्किट, ये उससे जरा डिफरेंट होगा. तो आ जाते हैं अपनी टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस, वी आर गोना शो यू व्हाट टू डू नाउ.
Okay, so we'll start with a plank. And you can start on your forearms. That's the first way you can do it. Hips nice and low. If your hips are up here or they're hanging too low, it's an incorrect position, okay? So plank ke liye aapne apni kamar bilkul seedhi rakhni hai, na aapne bahut unche jana hai, na aapne bahut niche jana hai. Okay, and then? Okay, if this is too difficult or you feel a pain in your lower back, come onto your hands and hold the same position. Acha. अब एक तरीका है कि आपने इस तरह करके अपने एल्बोज के ऊपर आपने करना है. अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है, तो फिर आप अपने हाथ पे भी कर सकते हैं. एंड वी हैव टू डू दिस फॉर 1 minute. 60 seconds minimum. If you can do longer, then do. इससे लंबा भी कर सकते हैं तो करें. बाय द वे, मैं एक जिम में जाया करती थी, वहां पे एक खातून थी, वो 7 minutes के लिए प्लैंक भी करती थी. सो यू कैन डू इट एज लॉन्ग एज यू वांट, बट 1 minute मिनिमम. मिनिमम. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज क्रंचेस. ओके, एंड आई देयर इज लॉट्स ऑफ वेज टू डू दिस, बट आई फाइंड द सेफेस्ट एंड बेस्ट वे टू डू इट इज स्टार्टिंग विद योर हैंड्स बाय योर हिप्स एंड कम अप ओनली अंटिल योर हैंड्स टच योर नी. ठीक है, तो आपने बेसिकली अपने हिप्स पे हाथ रखना है लेटे हुए, और फिर आपने ऊपर आना है बस उतना जितना आपके नी तक आपका हाथ पहुंचता है. और ये सबसे सेफ तरीका है इनको जो लगता है स्क्रंचेस करने का. Because you see a lot of people that come up all the way like this, it's really not good for the spine or the hip flexors. अच्छा, तो वो जो लोग पूरा इस तरह करके ऐसे से पीछे जाके आते हैं, वो ठीक नहीं कर रहे होते क्योंकि आपकी कमर पे बहुत प्रेशर पड़ता है. Okay. And then reverse crunches. So what you do is you lay flat on your back, you bring your legs out just off the floor, and then bring your knees into your chest, legs out again just off the floor. Back into your chest. तो ये हैं रिवर्स क्रंचेस, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी टांग को सीधा लेके जाते हैं, अपने पेट की तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएं, उसके बाद सीधा करें, फिर अपने चेस्ट की तरफ लेके आएं, फिर सीधा करें. Okay, and then finally mountain climbers, but slowly, because we really want to contract our core. Okay. अच्छा, ये अब mountain climbers हम करने लगे हैं. So you come in and you get your right knee to your left chest and left knee to your right chest. ठीक है, तो आपने अपनी ये देखें, अब ये अपनी नी को, अपनी राइट साइड से नी को अपनी लेफ्ट साइड पे चेस्ट के लेके आ रहे हैं, फिर अपनी लेफ्ट नी को राइट साइड ऑफ योर चेस्ट पे लेके आ रहे हैं. तो आपने ये करना है, मगर बड़ी स्लोली करना है और 1 minute के लिए करना है. लेकिन आप करना क्या है, प्लैंक फॉर 1 minute, देन टेक अ ब्रेक फॉर 1 minute, देन डू प्लैंक फॉर 1 minute, देन टेक अ ब्रेक फॉर 1 minute, देन डू प्लैंक अगेन फॉर 1 minute, देन डू टेक अ ब्रेक फॉर 1 minute, देन यू गो टू क्रंचेस. Same thing with the crunches. 1 minute crunches, 1 minute break. 1 minute crunches, 1 minute break. 1 minute crunches, 1 minute break. Then you move on to the reverse crunches. That's again 1 minute on, 1 minute off. And then again, same thing with the mountain climbers. Very, very slowly. ये बहुत आहिस्ता से करना है. Now, that's for a beginner. For someone who's slightly higher in terms of their training level, you should definitely do it for like 5 times each. And that will be, I think, very helpful. And plank, you should try and do as long as possible. Yeah. So, I mean, if you can do 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, wo sabse better. Try and build it up in 30-second intervals. So, if 60 seconds is easy, go to 90 seconds if that's easy. 120, etc. Second, agar aapke liye aasan hai, to 90 second. Phir jab aapko aasan lagna shuru hai, to phir aap 120 second pe chale jaye. Basically, apne aapko, aapne core ko apne strong karne ke liye ye karna hai. Let's do one quick recap. Okay, so we start with the plank. I'll start on my forearms. ये वो वाला प्लैंक है जो लोगों को जरा मुश्किल लगता है. अगर ये मुश्किल लगे तो अपने हाथों पे इस तरह ऊपर आ जाएं. ये आपने 1 minute के लिए किया, और फिर ब्रेक ली, फिर 1 minute, फिर ब्रेक ली, फिर 1 minute. And then crunches. Then आप आ जाएंगे अपने क्रंचेस की तरफ. ये ऐसे करके आपने अपने क्रंचेस किए, ये आप 1 minute के लिए करेंगे. 1 minute के बाद आप फिर ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपका ये, आप जब ने वो वाला सेट कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपके रिवर्स क्रंचेस हो जाएंगे. अपने चेस्ट तक आपने पाँव को सीधा ले जाके ज़मीन से उठाई रखना है, चेस्ट की तरफ लाना है और फिर बाहर करना है. एंड देन फाइनली माउंटेन क्लाइंबर्स, आप अपनी लेफ्ट नी को अपने राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे लेके जाएंगे, और फिर आप अपनी राइट नी को, नहीं, लेफ्ट नी को राइट साइड ऑफ द चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे, और फिर आप लेफ्ट नी को राइट, मैं फिर कन्फ्यूज़ कर रही हूँ अपने आप को, समझ आ गई आप लोगों को कि मैं क्या कह रही हूँ. बट आपने बेसिकली ऑपोजिट साइड्स पे जाना है, और ये आपका पूरा का पूरा जो कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का के सेट्स है वो हैं. पेट फ्लैट करने का या कोर को स्ट्रॉन्ग करने का कोई आसान तरीका नहीं है. और इसके साथ यू हैव टू मेक श्योर यू स्लीप, ऑफ कोर्स, ड्रिंक वाटर, पानी पिए, और अपनी डाइट प्लान का खास ख्याल रखें. राइट बोले, परफेक्ट, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच. ये हैं हमारी कोर एक्सरसाइजेस. देखिए, कोई भी काम आसान नहीं होता. जो काम भी करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है. विदाउट हार्ड वर्क, इट्स वेरी हार्ड टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट. मैंने भी बड़ी मेहनत की. आई वर्क्ड वेरी हार्ड विद बिली ओवर द पास्ट ईयर, ईयर एंड अ हाफ, टू गेट माई सेल्फ बैक टू वेयर आई वॉज बिफोर आई गॉट प्रेगनेंट विद हसन. एंड द पॉइंट इज, इट्स अ जर्नी.
और इस जर्नी में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा आपका, कोई भी मीठा। सो कोशिश करें कि एफर्ट करें, और अगर हमारी आपको एक्सरसाइजेज अच्छी लग रही हैं और हमारी फिटनेस ट्रेनिंग की जो टिप्स हैं वो अच्छी लग रही हैं, तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।